सारे जो यज्ञ है उसका कल्मिनेशन दिव्य ज्ञान में होता है। तो दिव्य ज्ञान अगर हमें सरलता से प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? परंपरा में आने वाले गुरु के पास तदविधि प्रणिपातेन शरणागत होकर हरि प्रश्न प्रश्न पूछकर सेवया तो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मने घर को ज्ञान से सोचा और जैसे कोई सही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक रूप से शरण में जाना होगा। ये हमने चर्चा की थी। तो इसके बाद हमने चर्चा की थी वो ज्ञान की प्राप्ति की महिमा क्या है। तो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाने जाएगा, वो वापस पुनर्मोहित नहीं होगा, मतलब माया से मोहित नहीं होगा, भगवान से मोहित हो जाएगा तो चलेगा। शुद्ध दृष्टि की प्राप्ति होगी और पापों का सर्वनाश हो जाएगा। अगर बहुत सारे पाप किए, अगर वो ज्ञान दिव्य ज्ञान का शरण लेता है तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा और समस्त कर्मों फल का नाश हो जाएगा, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो उसका नाश हो जाएगा। और हमने चर्चा की थी। उसके बाद ये भी देखा था तो ये ज्ञान प्राप्ति से तो क्या होगा, ये नहीं ज्ञान में सर्वसम पवित्र थे तो ज्ञान जैसे पवित्र कुछ है नहीं। और उसको हम जब भक्ति योग में जो भक्त लोग है उसको समय के अवधि पर अलग अलग अवधि पर मुझे कभी चाहिए तो मुझे बताना तो मेरा मेरे को तो अच्छी लेडी कैट पे लगाने चाहिए तो मंगाऊंगी। चलेगा उसने बोला कि मैंने को भेज दो तो हमने देखा था कि उसमें कि जो ये इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी सबलाइन नहीं है और शुद्ध नहीं है। और यही ज्ञान क्या पवित्र तथा स्वयं योग संसिद्ध, और ये ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता हुआ यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता, हमने यहाँ तक देखा था। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारा बंधन का कारण है, ज्ञान ही हमारा मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आरंभ लेता है। दूसरे शब्द में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हमने यहाँ तक कल चर्चा की थी। तो आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सत्तावलंबते ज्ञानम तत्परय संतिन्द्रिय ज्ञान लब्ध परम शांति नाचारेण गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत अत्यधिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी। श्रद्धा वालम लभते ज्ञान, श्रद्धालु मतलब जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। तो एक्चुअली हमने बेसिक कोर्स में ये भी चर्चा की थी कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं, हम एक बिल्डिंग के अंदर भी बैठे हैं तो इसके लिए श्रद्धा चाहिए। तो हम बैठ नहीं सकते, अगर रास्ते पे चलते हैं तब भी श्रद्धा चाहिए कि भाई सामने वाला हमें ठोक नहीं देगा गाड़ी से। और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी हम एक विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि भाई वो हमें गलत मेडिसिन नहीं देगा। तो हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है, मेरी ओर देखने लगी
प्रभु जी के ऊपर तो हम भरोसा करते हैं। हाँ, अगर हम नाई के पास जाते हैं तब भी भरोसा करते हैं। और हमने चर्चा की थी कि मतलब एक नाई के ऊपर एक भरोसा किया कोई व्यक्ति ने, तो कैसे रातों रात पूरा राजा ही पलट गया वो देश का। वो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में आता है, आपको पता होगा कि भाई वो हिस्ट्री में आता है कि कैसे वो धनानंद था, उसके पिता एक नाई था, और जो राजा है उसको जो राजा था उसको उसके ऊपर बहुत भरोसा था, और ये नाई ने बहुत शस्त्र विद्या सीख ली थी। तो उनका जब सेविंग कर रहे थे तो सेविंग करते वक्त ही मार दिया। मतलब ऐसी हमने घटना देखी है कि नाई के ऊपर विश्वास करके पूरा राज्य का राजा बदल गया, फिर भी हम नाई के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो मतलब श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा के बिना आगे भगवान बताएंगे क्या होगा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रिय को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करके क्या होता है, तुरंत अजन्मी शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में काफी अच्छे से बता रहे हैं, कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि पास प्राप्त कर सकता है। मतलब श्रद्धा की श्रद्धावान कौन है उसकी व्याख्या यहाँ पर कर दी, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, राम हरे हरे मंत्र के द्वारा मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मतलब भक्ति मतलब जैसे हम किसी की सेवा करते हैं या क्या करते हैं तो धीरे धीरे अपने उनके प्रति एक श्रद्धा और अटैचमेंट बढ़ने लगता है, तो इसके द्वारा ही हम ये श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इससे अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, इंद्रियों पर संयम रखना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त करता है। वही बताया था पिछले श्लोक में था कि कृष्ण ने कहा कालेन आत्मनि, मतलब समय के साथ कितना समय लगेगा। अर्जुन को यह प्रश्न हो सकता है, अर्जुन सोच सकते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगेगा, क्या बहुत जन्म लगेंगे, कितना जन्म लग सकता है। तो भगवान बोले कि यहाँ पे अगर श्रद्धा है और इंद्रिय संयम है तो त्वरित ही प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता, शीघ्र ही कृष्ण भावना व्यक्ति ज्ञान में वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो फिर भगवान बोलते हैं ये तो श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है वो बताया है, लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है उसका क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे अध्यक्ष श्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो सुख न सुखम न संशयात्मन। तो बता रहे किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, ये भगवत भगवत अना भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। तो संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में नहीं परलोक में सुख है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अज्ञानी है जिसकी श्रद्धा नहीं होता है तो उसको ना तो ये लोक में ना तो परलोक में सुख मिलता है। तो अगर उसके पास श्रद्धा नहीं है, संदेह करता, तो भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करता, अपितु नीचे गिरता। वही यहाँ पर बताया है भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं अन्य मान्य शास्त्र में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है तो और होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं रखते। तो मतलब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताया गया है कि भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे एक
कक्षा के व्यक्ति जो बताया गया है उसमें क्या होता है, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती, तो कैसे लोगों में श्रद्धा नहीं होती, जो पशु तुल्य है उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्र के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, तो एक कैटेगरी के लोग हैं, मतलब पशु तुल्य व्यक्ति में ना तो कोई शास्त्र के प्रति श्रद्धा है और ना तो उनका ज्ञान होता है। कुछ लोगों को शास्त्रों में शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और उनमें से वो उदाहरण देते रहते हैं, उनमें से उदाहरण देते रहते, एग्जाम्पल देते रहते हैं, लेकिन मतलब लेकिन वास्तविक विश्वास नहीं रखते, वास्तविक विश्वास नहीं रखते, मतलब कभी कभी क्या है हम प्रिंसिपल सिखाते तो दूसरों के लिए, खुद के लिए ना, ऐसा हो जाता है, ये व्यक्ति दूसरों को बोलते हैं शास्त्रों को फॉलो करो, ये करो वो करो, लेकिन वो लोग स्वयं नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता, ठीक है, वास्तविक विश्वास नहीं करते, दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरे कैटेगरी के लोग यहाँ पे बताए, यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं, तो तीसरे कैटेगरी क्या है, उनको भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है लेकिन भगवान कृष्ण में नहीं मानते ना उनकी पूजा करते। तीन कैटेगरी आगे, पहले पशु तुल्य जिनको शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और श्रद्धा भी नहीं होती, दूसरे ऐसे लोग हैं उनको शास्त्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उनमें से उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं लेकिन वो वास्तविक वास्तव में वो विश्वास नहीं रखते शास्त्रों के अंदर, मतलब ज्ञान होना और उसमें विश्वास करना दोनों अलग बात है, ठीक है। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं वो भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा तो होती है लेकिन वो भगवान कृष्ण में नहीं मानते और उनकी पूजा भी नहीं करते, ये तीसरे कैटेगरी हो गए। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता और वे नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसे तीन प्रकार के असल व्यक्ति जो जिनको कोई श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा होती है तो क्या भगवान में श्रद्धा नहीं होती, शास्त्रों में श्रद्धा होती लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं होती, तो उनका क्या हाल होता है उसके बारे में बताया, वे नीचे गिरते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्ति की बात कर मैं दोहरा रहा हूं, एक जो पशु तुल्य है ना तो शास्त्रों में ज्ञान होता है और ना तो श्रद्धा होती है, वो पहला कैटेगरी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी कौन है, उसको शास्त्रों में ज्ञान होता है, शास्त्रों में से कोट भी करते हैं लेकिन शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते, ज्ञान होना और विश्वास नहीं होना, पहले में पहले पशु तुल्य है वो अज्ञानी भी है और उसमें श्रद्धा भी नहीं, दूसरों शास्त्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तीसरे में क्या है, शास्त्रों के बारे में ज्ञान भी है, शास्त्रों में श्रद्धा भी है लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं, होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो वे क्या करते, उनका क्या होता है, वे नीचे गिरते हैं, तो उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते, मतलब तो उसमें से पहले और दूसरे कैटेगरी जिसको तीनों में, मतलब उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, तीनों में श्रद्धा नहीं है, मतलब एक में शास्त्रों की श्रद्धा, एक जो तीसरे कैटेगरी उनको शास्त्रों में तो श्रद्धा है लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं, तो एंड ऑफ द डे शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है भगवान में श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा कोई श्रद्धा के बराबर है ही नहीं। तो उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्ति में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हुए तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते, तो तीन प्रकार के लोग बताए, चौथी बार बोल रहा हूँ, पशु तुल्य जिनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान भी नहीं होता और श्रद्धा भी नहीं होती, दूसरे है उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है शास्त्रों के बारे में लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते, तीसरे लोग शास्त्रों के बारे में ज्ञान होता है उसमें विश्वास भी होता है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं, तो ये लोग उनका वो लोग कुछ भी तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचन में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं आता, मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मुझे याद है एक साल पहले हमने, आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन करीबन हमने एक डेढ़ घंटा और एक और सेशन भी डिस्कस किया था, फेथ और नो फेथ, फैक्ट इज फैक्ट, ये भी हमने चर्चा की थी, फेथ और नो फेथ, फैक्ट इज फैक्ट, तो एनीवे उसको अलग तरीके से लेंगे। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि मतलब अभी हमें ये जानना है कि भाई हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो भी हम
जो टीवी न्यूज है, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, न्यूज चैनलों पे भरोसा रखते हैं। तो जीवन में जीवन जीने के लिए हमें किसी ना किसी पर भरोसा रखना ही पड़ता है। भरोसे के बिना हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें इस क्या बोलते हैं भौतिक संसार का जो संसार दावानल है उसको पार करना है, भौतिक रूपी सांसारिक सागर को अगर हमें पार करना है, तो शास्त्रों में श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी, राइट? अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी श्रद्धा रखते हैं, तो फेथ का हमें एक चीज लेता देवानी, इस रीजनेबल फेथ एंड वेरीफाइबल फेथ, सेंसिबल फेथ, व्हेन इट इज वेरीफाइड इट बिकम रीजनेबल फेथ। ठीक है, सो हमें जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, अगर हमें पहले के क्या करते थे, इंटरनेट वगैरह था नहीं तो क्या करते थे, अगर किसी को मानिए बॉम्बे से जयपुर जाना है तो 4-5 लोगों को पूछते थे, अरे कौन सी ट्रेन बॉम्बे जयपुर जाएगी, एक व्यक्ति बताएगा ये ना ये ट्रेन जाएगी, दूसरा बताए ये प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन जाएगी, यही जाएगी यही जाएगी, 4-5 लोग बोल देते तो एक सेंस बनती है, सेंसिबल। अगर उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर सेंसिबल फेथ मतलब थोड़ी सेंसिबल श्रद्धा से हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठते तो हम जयपुर पहुंचते, अगर हमने स्टेशन पे उतरने के मिस ना कर दिया तो, अगर सो ना गए तो क्या है, उतरने के बाद क्या होता है, वो वेरीफाई हो जाता है, हाँ ये ट्रेन जयपुर आती है, सो नाउ इट बिकम्स रीजनेबल फेथ। ठीक है, तो एक सेंसिबल फेथ तो रखना ही पड़ेगा, हाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, इतने सारे लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही, करने में क्या जाता है, तो बात यही है। उनके लिए इस प्रकार का सुख, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं आता, मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और न और ज्ञान प्राप्त करे, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक कौन से पुराण में भूल गया कि कौन सा श्लोक है, यथा देवे तथा गुरु प्रकाश से अंतिम महात्मा है, अरे वो बहुत फेमस श्लोक है, हाँ बहुत फेमस श्लोक है, यथा देवे तथा गुरु प्रकाश से अंतिम महात्मा, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु कश्य तक अति तमाम प्रकाश से अंतिम महात्मा। तो वहां पर काफी अच्छे से बताया है, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसका मतलब क्या है कि जिस जो आत्मा को विश्वास है, किसमें, दोनों भगवान और गुरु दोनों में विश्वास है, उनके हृदय में जो वैदिक ज्ञान है अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जो व्यक्ति उनको गुरु और शास्त्र में कृष्ण में बहुत श्रद्धा है, उनके अंदर श्रद्धा है, उनके हृदय में जो वैदिक ज्ञान है अपने आप प्रकाशित हो जाता है, वहां पर भी श्रद्धा की बात की गई है। ठीक है, और आगे बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस ज्ञान से मतलब श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, ज्ञान इस ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अगर जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी कॉलेज में भी आता है, आईआईटी में, तो हाँ इतना विश्वास होता है 4 साल के बाद डिग्री देगा देंगे, मान लो फर्स्ट बैच आया था तो कैसे आया होगा, सबको डाउट रहता है, फर्स्ट बैच आता है तो स्टार्टअप होता है तब भी सबको डाउट रहता है, लेकिन जिसको विश्वास है तैर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा में चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखने की बात की गई है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोक में,
योग्य सन्यासत्कर्माणां ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नंति धनंजय। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब कर्म फल का त्याग करना है, मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका भोग नहीं करना है, किंतु उसे अगर वो शास्त्र के अधिक रूप से तो भगवान की सेवा में उनको लगाना है या तो उसको त्याग कर देना। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है, यह योग संन्यासत कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नंति धनंजय। तो क्या है? ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से उनका जो संशय है छिन्न हो गया है। छिन्न मतलब इट हैज बीन कट डाउन टू द पीसेस। तो बेसिकली द संशय इज गॉन। तो जो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, वही वास्तव में आत्मवंतम आत्मपरायण है। आत्मपरायण मतलब ही इज आत्मरमा व्यक्ति, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। सो वी हैव डिस्कस दिस थिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मरमा पर्सन इन भगवद गीता 3.679। तो भगवद गीता के 17वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में उसकी चर्चा की थी। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, उसको कोई कर्म बंधन नहीं रखता। कैसे व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं लगता? जिसने अपना कर्म फलों का परित्याग कर दिया है और वो भक्ति करता है, और जिसका संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, तो इसमें व्यक्ति को कर्म बंधन नहीं लगता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे, जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप से पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है, अतः वह निस्संदेह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस अध्याय का टाइटल भी बार बार, पहले तो शुरुआत में हमने देखा क्या बताया था कि तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक था, तो वहां पे बताया था एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थात्मनात्मनम जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासीन। ये काम रूपी महान हमारे बहुत बड़ा शत्रु है, तो हमें कैसे वश करना चाहिए? आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। और आध्यात्मिक बुद्धि किसके ऊपर काम करती है? आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर। वो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आता है? तो परंपरा में भगवान ने बताया था, पहले सूर्यदेव यशवान को बताया था, फिर उसने मनु को बताया था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार से परंपरा में आता था, लेकिन समय की अवधि में वो नष्ट हो गया, इसीलिए भगवान ने वापस अर्जुन से परंपरा शुरू की। फिर उसके बाद वो दिव्य ज्ञान क्या है? तो भगवान का जो जन्म कर्म दिव्य है, कैसे दिव्य है? तो हमने देखा कि भगवान जब आए थे तब चतुर्भुज रूप में आए थे, और उसके कर्म भी कैसे दिव्य है, जैसे वो आए पूरे जेल थी उसके लॉकर खुल गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, सारे सैनिक सो गए थे। ये बहुत सारी लीलाएं देखी, भगवान क्यों आते उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद भगवान बताए कि भाई भगवान के दिव्य ज्ञान को जानकर बहुत सारे भूतकाल में क्या हुआ है, भीतर आगे भय क्रोधा मनमया माम पशु के बहु ज्ञान के सब कुत्ता मच्छाव आ गए। तो भगवान की जैसी चेतना उन्होंने प्राप्त की है, भगवान के लोक में वो आए हैं, तो इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, वो उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। पर जो व्यक्ति ये जान जाता है नमाम कर्माणि लिप्यन्ते, भगवान कोई कर्म से बाधित नहीं होते, नमे कर्म फलेषु, और उनको कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती, वो व्यक्ति भी क्या नवाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश्वर इति मत इति माम यो भी जानति कर्मादेश न बद्यते। और जो व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को जान जाता है वो भी कर्म बंधन से कर्म से बंधता है। ठीक है, तो भगवान के बारे में
ऐसा ज्ञान प्राप्त कर भूतकाल में भी बहुत सारे लोगों ने अपने बंधन से मुक्ति प्राप्त की है, इसलिए वो बताते हैं कि आप भी उनके चरण चिन्ह का अनुगमन करिए, और बोल रहे हैं उनके चरण चिन्ह को अनुगमन करिए, और भगवान बताते क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बता रहे क्यों, ताकि बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसको भी पता नहीं लगता, इसलिए बता रहे आपको जानना चाहिए कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है। फिर वो बताते हैं कि कर्म में अकर्म कैसे देखते हैं व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, तो कर्म में अकर्म देखने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद क्या कौन से अलग अलग प्रकार के यज्ञ है वो भगवान ने बताए, और वो यज्ञ का परिणाम क्या है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को हम कोई अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारे से हमने कल उदाहरण दिया था कि मेडिकल शॉप पे जाओगे तो बहुत सारी दवाई है, बहुत सारे यज्ञ भगवान ने बताए, हमारे लिए कौन से उचित है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु से अगर हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, वापस मोहित नहीं होंगे, वो सारे हमारे कर्म फल चल जाएंगे। अगर बड़ा से बड़ा पापी भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ जाते हैं तो कर्म फल से मुक्त हो जाता है, उस समय की अवधि में वो हमें हमारे हृदय में प्रकाश ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें श्रद्धा चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा, ना तो ये लोक में ना परलोक में कोई सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए ज्ञान से हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान रूपी शस्त्र से संशय को काटना चाहिए, जो संशय शास्त्र उसको काट देना चाहिए, और ये करके क्या होगा, तुम योग से संभवित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यही भगवान बोल रहे हैं, तुम योग से समन्वित होकर, संभवित समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, समन्वित मतलब यहाँ पे भगवान ने उनको आदेश दिया कि भाई उठो और युद्ध करो। तो आगे बता रहे हैं आश्रम से दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वास्तव मात्र पराण है। तो आगे के श्लोक में लास्ट श्लोक में बता रहे हैं चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में, तस्मा ज्ञानम संभूताम ऋतस्तम ज्ञान नाशन आत्मन छित्वे नाशम योगम मातृ श्रोति भारत। तो बता रहे अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्रों से काट डालो। हमारे हृदय में जो अज्ञान के जो संशय है उसको हमें ज्ञान रूपी शस्त्रों से काटना चाहिए। कौन सा ज्ञान, यही जो दिव्य ज्ञान भगवान ने बताया उनसे काटना चाहिए। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ओके, तो यहाँ पर बता रहे योग से संबंधित होकर, मतलब एम्पावर्ड बाय दिस योगा, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, ये जानकर युद्ध करो। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान वापस अर्जुन को बोलते हैं कि अभी ज्ञान ने होकर, तो पहले तो अर्जुन को दूसरे अध्याय में बोला अपना एज ए ड्यूटी यू नो स्टैंड एंड फाइट, दूसरे अध्याय में बोल क्या बोले, इफ यू फाइट इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी एंड वाइल परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, अगर अपनी कर्तव्य करते हुए अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को भोगोगे, अगर युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी लोक को भोगोगे। और तीसरे अध्याय में और भगवान ने बोला कि दृढ़ ही वरम कर्म बुद्धि योगा जनेंद्रिय बुद्धि अनुसरण इच्छे कृपणा फल हेतु। तो ये कर्मों से जो अवरम कर्म मतलब जो अनरिकमेंडेड टास्क है उसको ज्ञान से दूर करो और बुद्धि पूर्वक दूर नहीं अवतरम बुद्धि योगा जनेंद्रिय बुद्धि शरण नीचे कृपणा फल हेतु।
बुद्धि का शरणागत होकर कार्य करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि का शरण लेने के लिए बोले थे भगवान दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में। तब जाके अर्जुन ने प्रश्न किया था तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, एक तरफ आप बोल रहे हैं बुद्धि बुद्धि योग से, बुद्धि योग बुद्धि के शरण लो, और अभी भी बोल रहे कि कार्य करो, क्या करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ, तीसरे अध्याय में ये प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर भी भगवान वापस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भरत तुम योग में संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, वापस बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर अभी भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, तो यहाँ पे उस वक्त ऐसे ड्यूटी करने के लिए भगवान उनको कार्य, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी भगवान उनको कार्य करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे भगवान दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्जुन को ये दोनों श्लोकों का विरोधात्मक लगे, और उसने भगवान कृष्ण से अगले अध्याय के शुरू में उसके बारे में पूछा। यहाँ पे दोनों उसको विरोधाभास लग रहा है, क्या विरोधाभास लग रहा है यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके सबसे दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वो वास्तविक आत्मा परायण है और कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मण निबद्धन्ति धनंजय, और यहाँ पे कर्म बंधन से बंधना नहीं है, तो अर्जुन वापस समझ जाता है, वापस ऐसा सोच रहा है कि कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, योग संन्यासात कर्माणाम, तो यहाँ पे योग योग से संन्यासात कर्माणाम, और अर्जुन उसको यहाँ पे ये समझ जाता है कि योग से कर्म का संन्यास करो, कर्म त्याग दो, योग संन्यासात कर्माणाम ज्ञान संसिंद संशय। तो यहाँ पे भगवान, तो अर्जुन क्या सकते हैं, अर्जुन यहाँ पे ये श्लोक का मतलब ये समझते हैं कि कर्म का ही संन्यास करो, भगवान ने कर्म संन्यास करने के लिए नहीं बोला, कर्म फल का त्याग करने के लिए बोला है। लेकिन अर्जुन ये श्लोक में क्या समझते हैं, योग संन्यासात कर्माणा, योग से कर्म का ही संन्यास लो, कर्म से संन्यास लो मतलब कर्म का ही त्याग कर लो। और यहाँ पे 42वें श्लोक में वो पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 42वें श्लोक में कि छित्वेना संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन को ये प्रश्न दोनों विरोधाभास लगते हैं, कि अर्जुन ने उसका मतलब ये क्या ले लिया, योग संन्यासत करवाना। तो प्रभुपाद ने जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन किया, जो व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग करते हुए भक्ति करता है, तो ये कर्म फल का त्याग करने का जो व्या प्रभुपाद ने शब्दार्थ दिया है, जो 5वें श्लोक का जो कन्वर्जन आता है उसके आधारित पर यहाँ पर दिया है। तो नहीं तो कोई अगर उसके बिना सीधा सीधा लोगे तो मतलब यही समझ जाएंगे कि कर्म का संन्यास करने के लिए बोला है, लेकिन जब 5वें श्लोक का कन्वर्जन आता है, कन्वर्जेशन आता है, तो वहां से हमें पता लगता है कि यहाँ पे भगवान कर्म संन्यास के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कर्म फल का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, योग संन्यासात कर्माणम ज्ञान संसिंद संशय। तो अर्जुन को ये लगा यहाँ पे 41वें श्लोक में भगवान बोले कि कर्म संन्यास करो, ऐसा अर्जुन समझा, इसका मतलब कर्म संन्यास करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं 42वें श्लोक में, आतिष्ठो तिष्ठ भारत, तिष्ठ भारत मतलब खड़े होकर युद्ध करो। ठीक है, तो आप दोनों को जरा देखें, दिव्य ज्ञान से क्या होता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण और भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण। और यहाँ पर क्या बोल रहे, आता तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। तो यहाँ पे भक्ति करता है और जिसके संशय ऑलरेडी कट चुका है वो आत्मपरायण होता है, इसलिए उनको बोल रहे हैं कि आपका जो संशय, उसको अज्ञान से जो संशय उठा है उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, और उसके बाद क्या करो, खड़े होकर युद्ध करो।
पहले श्लोक में अर्जुन को ये लगा कर्म को ही त्याग करो, तो वहां से शुरू होता है पांचवा अध्याय। बोलते हैं यहाँ पर अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च संससि यश्रेयतयोरेकं तन्मे भूयः शिक्षितम्। तो अर्जुन ने कहा है कृष्ण पहले आप मुझे मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो होप यहाँ पर आशा करता हूँ आपको चौथे और पांचवें अध्याय का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज यहाँ पर इतना ही कवर करूंगा। अगर चौथा और पांचवें अध्याय का कनेक्शन समझ में आ गया तो कृपया करके चैट में टाइप करिए यस। करके सब लोग अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप करिए ताकि मैं वापस समझा सकूं। ओके कृपया करके, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है कमेंट या फीडबैक है तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त किया।